नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मोंगो डीबी वैलिडेट करते हैं और वैलिडेशन को हैंडल करते हैं जब हम रेस्ट एपीआई क्रिएट कर रहे हैं नोड जेएस में। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाइए और वीडियो सेक्शन में जाके पार्ट नंबर 7 को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलेशन और सेलेक्ट क्यूरी के बारे में। सेलेक्ट क्यूरी आप सबको पता है कि हम डाटा गेट करते हैं डाटाबेस से, तो सेलेक्ट लगाकर, जैसे अगर MySQL में आप काम कर रहे हैं देखा जाए तो हम लिखते हैं सेलेक्ट ऑल या सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम का नाम जिस कॉलम की डाटा हमें गेट करनी होती है। सेम वही काम हम करते हैं MongoDB में। अभी तक मैंने आपको बताया था कि जब आप सेलेक्ट करना होता है पर्टिकुलर, मतलब एक टेबल में आपके पास 10 कॉलम है, उसमें से कोई 3 कॉलम की डाटा चाहिए। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक हम ऊपर में ही लगाते थे यहाँ पे फाइंड फंक्शन के साथ, यहाँ पे हम उसकी आईडी देते, जो भी कॉलम का नाम था वो हम देते थे और कॉलन 1 लिखते थे, इस तरीके से करते थे। और जिसकी नहीं चाहिए थी डाटा उसको हम 0 करते थे। ये काम अभी तक हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ से ना करके हम सेलेक्ट लिख के, मतलब इस क्यूरी के साथ सेलेक्ट के साथ हम जो भी डाटा चाहिए वो हम यूज कर सकें। और दूसरा होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? बेसिकली पॉपुलेशन होता है, जैसे आप MySQL की बात करें, अगर बेसिक नॉलेज है MySQL की, अगर आपने यूज़ किया है तो आपको ये पता होगा कि जब हमें दो टेबल से डाटा गेट करना होता है, सपोज किसी IT के बिहाफ पे, सपोज दोनों आईडी कॉमन है, दोनों टेबल में कोई आईडी ऐसा है जो कॉमन है और उसके बिहाफ पे हम ज्वाइन के थ्रू डाटा लेना होता है, दो या मल्टीपल टेबल, दो ही नहीं बात कर रहा हूँ, 2, 3, 4, 10 टेबल, जितने भी टेबल हैं आपके पास, उसमें से अगर डाटा फैच करना होता है कॉमन आईडी के बिहाफ पे, तो उसके लिए हम वहाँ पे ज्वाइन का यूज करते हैं MySQL में। और MongoDB में बात करें तो हम लुकअप का यूज करते हैं, राइट? अगर आपने लुकअप की वीडियो हमारे देखे होंगे नोड.js में तो आपको पता होगा कैसे हम मल्टीपल टेबल से डाटा गेट करते हैं। वही काम, सेम काम हम MongoDB में पॉपुलेशन के साथ भी कर सकते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ पॉपुलेशन। अगर आप जाएंगे मोंगोज के यहाँ पे mongojs.com, इसमें आप आएंगे तो यहाँ पे मिडलवेयर के बाद एक पॉपुलेशन का आपको टैब मिलेगा। तो पॉपुलेशन के साथ वो सेम काम हम करते हैं और बहुत ईजी होता है पॉपुलेशन का यूज करके मल्टीपल टेबल से डाटा फैच करने के लिए। तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे पॉपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली रिप्लेसिंग द स्पेसिफिक पाथ इन द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डाटाबेस को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो भी हमारा डाटा स्टोर होता है एक डॉक्यूमेंट के रूप में होता है, ठीक है? इसलिए कन्फ्यूज मत हुई है डॉक्यूमेंट क्या, विच डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अदर कलेक्शंस, और यहाँ पे टेबल्स को कलेक्शंस बोलते हैं, तो ये भी आपके दिमाग में क्लियर है। वी मे पॉपुलेट अ सिंगल डॉक्यूमेंट यानी कि सिंगल डाटा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट मल्टीपल टेबल के डाटा, प्लेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट आप समझ ही रहे हो, मल्टीपल प्लेन ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स रिटर्न फ्रॉम अ क्यूरी। मतलब एक सिंगल क्यूरी से आप मल्टीपल टेबल से डाटा फैच करेंगे पॉपुलेशन का यूज करके। तो चलिए इस चीज़ को हम करके देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको कि होता क्या है। तो अभी तक आपने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, कैटेगरी क्रिएट कर रहे थे और कैटेगरी का डाटा फैच कर रहे थे, राइट? उसी तरीके से मैंने क्या किया है, कुछ क्यूरी लिखी है जो कि हम, आपको याद होगा कि पासवर्ड डिटेल्स के लिए, अभी तक हम पासवर्ड कैटेगरी के लिए काम कर रहे थे। मैंने बताया था पासवर्ड डिटेल, जिसमें कि हमारे पास क्या क्या डाटा था, पासवर्ड की कैटेगरी इंसर्ट कराते हैं उसमें, प्रोजेक्ट का नाम और पासवर्ड की डिटेल, ये तीन चीज़ें हम इसमें स्टोर कराते हैं, मतलब 3 कॉलम हमारा होता है डाटा का। तो मैंने ये बताया था कि मैं खुद से करूँगा इसको, मैं आपको बताऊँगा नहीं क्योंकि हर एक चीज़ कोड सेम ही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इसकी कोडिंग की है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें चलते हैं ऊपर, मैंने 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे रूट क्रिएट किए हैं। एक है ऐड न्यू पासवर्ड का, जो कि पोस्ट मेथड के साथ हमने क्रिएट किया है, और इसमें तीनों जो यहाँ पे, जैसे पासवर्ड कैटेगरी में हम क्या करते थे, हमें सिर्फ पासवर्ड कैटेगरी की वैल्यू आती थी जो कि हम API से मतलब सेंड करते थे। सेम यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, पासवर्ड कैटेगरी, प्रोजेक्ट का नेम और पासवर्ड की डिटेल, 3 डाटा अब यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, तीनों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं। ये देखिए पास मॉडल, पास मॉडल क्या है हमारा, ये ऐड पासवर्ड का मॉडल है जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। अभी तक हम क्या, अगर आपने प्रोजेक्ट प्रीवियस कोड देखा होगा ये यूज किया होगा, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, पासवर्ड कैटेगरी को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ था हमने, अब हमने ऐड पासवर्ड को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, तो इसका वेरिएबल पास मॉडल है। तो क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे गए, यहाँ पे, हाँ। तो अब क्या है, इसके अंदर तीनों वैल्यू हमने पास कर दिया, पासवर्ड कैटेगरी को पास कर दिया, प्रोजेक्ट नेम को पास कर दिया और पासवर्ड डिटेल को पास कर दिया, तीनों वेरिएबल पास किया, सिंपली सेव किया और डॉक्यूमेंट जो बाकी ऊपर कर रहे थे वही कॉन्सेप्ट है, पासवर्ड इंटर्ड सक्सेसफुली, ये हमने मैसेज और डॉक्यूमेंट जो भी इंसर्ट होने के बाद आ रहा है वो हमने यहाँ पे कर लिया है। सेम उसी तरीके से गेट ऑल पासवर्ड डिटेल का सिंपल
यहाँ पे पासवर्ड मॉडल डॉट फाइंड फंक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ फाइंड लगाया है, यहाँ पे हमने कुछ भी यहाँ पे इसकी तरह नहीं किया है कि फाइंड के साथ कौन कौन से कॉलम चाहिए कौन से कॉलम नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं लिखा है, नॉर्मल फाइंड लिखा है ताकि हमें सारा का सारा डिटेल मिल सके यहाँ पे, ठीक है। डिलीट के लिए सेम आईडी हमने पास किया, जिस आईडी को डिलीट करना है और सेम वो कोड किया, सारा कुछ सेम है। तो एक बार मैं डाटा दिखा देता हूँ, मैंने कुछ डाटा इंसर्ट भी कराए रखे हैं। तो ये है मेरा रूट है जिसमें कि ऐड न्यू पासवर्ड का है, इसके जाएंगे आप पोस्ट मेथड के बाद यहाँ पर। तो ये देखिए पासवर्ड कैटेगरी, यहाँ जो पासवर्ड कैटेगरी है, सपोज मैं पर्टिकुलर किसी पासवर्ड कैटेगरी के अंदर डाटा डालना चाहता हूँ, जैसे विग रॉक है, तो इस आईडी को मैं उठाऊँगा कि क्योंकि कैटेगरी की आईडी पास करनी है मुझे इसके अंदर, तो ये इस आईडी को मैं पासवर्ड कैटेगरी में डालूंगा। और विग रॉक है तो मैं इसको टाइटल दे देता हूँ प्रोजेक्ट का नाम कि सपोज विग रॉक अकाउंट डिटेल, जो भी अकाउंट लॉग इन डिटेल है, ठीक है। यूजर नेम में मैंने डाल दिया यहाँ पे विग रॉक। यहाँ पे आप मैंने देखो कि HTML कोड पास कर रहा हूँ, यहाँ पे पी टैग के साथ मैं डाटा पास कर रहा हूँ ताकि जब डिस्प्ले हो या फिर बाद में आपको डिस्प्ले करना हो तो HTML व्यू मिले। स्लैश एन का करते हैं, मतलब एक वैल्यू, या स्लैश एन की जगह हम यहाँ पे BR का भी यूज कर सकते हैं ब्रेक लाइन के लिए, ठीक है। पासवर्ड के लिए मैं ऐसे ही नॉर्मल एक कुछ भी एक डाल देता हूँ। तो ये हमारा डाटा हो गया, पासवर्ड कैटेगरी, प्रोजेक्ट नेम और पासवर्ड अंडरस्कोर डिटेल्स। तो ये तीन वैल्यू हमारी हो गई इसमें, और जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा। सबमिट किया, पासवर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ, यहाँ पे आपको आ गया विग रॉक अकाउंट डिटेल, सारा डिटेल आ गया। इसको गेट करने के लिए अगला API हमारे पास है, गेट ऑल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए दो डाटा आपको मिल रहा है, एक तो विग रॉक का डाटा है, एक cPanel का जो कि हमारा पहले से इंसर्ट है, ये मैंने अभी इंसर्ट करके आपके सामने दिखाया। ये डिलीट का है, डिलीट करना है तो आईडी, पासवर्ड की आईडी जो भी हमारी ये जनरेट हुई है, इस आईडी को हम पास करेंगे और डाटा डिलीट हो जाएगी, ये काम इसमें होता है। तो ये तीन चीज़ें मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप चाहे तो खुद से एक बार ये क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड डिटेल जो पासवर्ड इंसर्ट करने का, ये आप रूट एक बार क्रिएट कर लीजिए ताकि आपको ये सब चीज़ें जो मैंने किया है बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं सिलेक्ट की, बात जो मैंने बताया सेलेक्ट और पॉपुलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्ट की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइंड के साथ हम यहाँ पे सेलेक्ट यूज कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पे जो भी डाटा हमको मिल रहा है API से, यहाँ पे हम सेलेक्ट पे बात करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डेट और माइनस माइनस वी को हम नहीं चाहते हैं तो इसको रिमूव कर सकते हैं। हम तीन डाटा, ये चार डाटा भी यहाँ पे गेट कर सकते हैं, बाकी सबको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को अब सेलेक्ट कैसे यूज करते हैं, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे करके देखेंगे, आपके सामने आपको दिखाएंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा गेट ऑल पासवर्ड का कोड जिसमें हमने लिखा है पास मॉडल डॉट फाइंड फंक्शन डॉट एग्जीक्यूट। अब इनको हम अलग अलग कहते हैं ना पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक के नीचे, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया मेथड चेनिंग, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो पास मॉडल हो गया, उसके बाद फाइंड फंक्शन, अब फाइंड के बाद आपको लिखना है डॉट, यहाँ पर लिख सकते हैं एक सेलेक्ट मेथड हमारे पास होता है सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर हम एक सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी लिख सकते हैं आप, सिंगल कोट या डबल कोट, इसके अंदर अब आपको कॉलम का नाम डालना है, और कॉलम का नाम आपको कॉमा नहीं लगाना है, स्पेस के साथ डालना है। सपोज मैं आता हूँ इस पे, मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए यहाँ से, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने आईडी, स्पेस दिया, दूसरी डाटा हमें चाहिए पासवर्ड की कैटेगरी, कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं कैटेगरी, फिर स्पेस दिया, फिर हमें चाहिए प्रोजेक्ट का नेम, कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, फिर यहाँ पे दिया प्रोजेक्ट का नेम, फिर स्पेस दिया, उसके बाद हमें चाहिए था पासवर्ड की डिटेल, इतनी डाटा हमें चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है, इतना काम किया। अब इसको करते हैं सेव, सेव हो चुका है, अब चलते हैं फिर से इस पे रूट पे, और इसको दोबारा से सेंड करेंगे तो अब डेट और माइनस माइनस वी जो है ये रिमूव होना चाहिए। सेंड किया, तो इस तरीके से हमें जो डाटा चाहिए था वो मिल गया। अगर आप यहाँ से आईडी हटा भी देते हैं, सपोज यहाँ से आप आईडी हटा देते हैं, नहीं पास करते तो भी आईडी को मिलेगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि आईडी हमारा क्या होता है, एक ऐसा होता है जो कि आपको डाटा के साथ आएगा ही आएगा। तो ये बात थी, सेलेक्ट की बात हो गई, क्लियर हो गया, ये होता है बस सेलेक्ट यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं पॉपुलेट की। तो पॉपुलेट यूज करने से पहले हमें स्कीमा के अंदर थोड़ा चेंजेज करने होगा, जो अभी तक आपने स्कीमा हमारा बनाया होगा पासवर्ड कैटेगरी का, अगर आप हमारे फॉलो कर रहे हैं Node.js के वीडियोस सारे, तो आपको इसने बनाया होगा आपने इसमें पासवर्ड डिटेल के लिए कैटेगरी का, हम हो यहाँ से हटाते हैं। पासवर्ड डिटेल में आप देख रहे हो यहाँ पे स्कीमा में क्या है, पासवर्ड कैटेगरी है, प्रोजेक्ट नेम है,
तो अब हम क्या चाहते हैं, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे समझने की कि क्या है ये बेसिकली। तो आप देख रहे हो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पासवर्ड की कैटेगरी हमारी है, लेकिन हम इसके अंदर पास कर रहे हैं क्या, पासवर्ड की कैटेगरी की आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड कैटेगरी नेम भी है। देख रहे हो पासवर्ड कैटेगरी का नेम भी है, इस आईडी के भी यहाँ पे क्या नेम है। अगर हम चाहते हैं कि दोनों टेबल का डाटा एक साथ उठ के आए, मीन्स कि यहाँ पे पासवर्ड कैटेगरी की आईडी के साथ साथ पासवर्ड कैटेगरी का नेम भी आ जाए एक ही क्यूरी में, मतलब एक ही रिजल्ट में, हमें मल्टीपल आपको क्यूरी न लगाना पड़े, तो उसके लिए ज्वाइन यूज करें या फिर पॉपुलेट का यूज कर सकते हैं। तो पॉपुलेट के थ्रू हम क्या करेंगे कि इसी के अंदर हमें कैटेगरी का नाम भी मिल जाएगा और कैटेगरी की आईडी मिलेगी ही मिलेगी साथ में, और बाकी जो डाटा है पासवर्ड डिटेल का वो भी मिल जाएगा, ताकि एक ईपीआई से आपको सारा डाटा मिल जाए। तो अब दोनों डाटा को ज्वाइन करना है, तो दोनों टेबल के डॉक्यूमेंट को अगर ज्वाइन करना है तो हम उसके लिए अब यहाँ पे क्या लिखना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पास कर रहे थे अभी क्या स्ट्रिंग, तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग हटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं मोंगोज डॉट, इस तरीके से स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ये बेसिकली यहाँ पे आप स्ट्रिंग रख सकते थे, ऐसा नहीं है कि टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग नहीं रखेंगे तो नहीं आएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये पर्टिकुलर चेक कर लेता है कि जो अंडरस्कोर आईडी की जो वैल्यू होती है, क्योंकि हम खुद से तो इंसर्ट नहीं करते, यहाँ पे हमने कहीं पास तो नहीं करते ना अंडरस्कोर आईडी की, तो इस ये क्या होता है, ये जो कैटेगरी की आईडी जनरेट हो रही है जो कि आप यहाँ पे पास कर रहे हो एपीआई के अंदर, इसकी बॉडी में चलते हैं जो हम इंसर्ट कर रहे थे, तो ये जो आईडी पास कर रहे हो ये आईडी एक ऑब्जेक्ट आईडी होता है मोंगोज की जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। आप चाहो तो यहाँ पे पर्टिकुलर आप ऐसे लिख भी सकते हो कि आईडी जो, अगर इसकी आईडी अगर पास करनी है तो इस तरीके से, अगर सपोज चाहते हो कि आप खुद से पास करो ऑटोमेटिक जनरेट ना हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे हमने आईडी कस्टम पास कर रहे हैं यहाँ पे, अब देख रहे हो यहाँ पे हम अगर कस्टम स्कीमा में पास करें तो अब हमें यहाँ पे भी थोड़ा चेंज करना होगा, तो उससे पहले यहाँ से आपको मोंगोज को रिक्वायर करना होगा, जो यहाँ पे हमने मोंगोज रिक्वायर किया वही कोड यहाँ पे पास कर लेंगे, तो ये रिक्वायर हो गया। अब इसके लिए अब यहाँ पे जो हमने ऐड पासवर्ड डिटेल कर रहे थे, जहाँ पे ऐड पासवर्ड डिटेल का कोड है यहाँ, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे आईडी को पास भी करते हैं, अगर वहाँ पे हमने लिखा है तो आईडी पास करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि यही हमने स्कीमा का नाम दिया है ये प्रो। अब यहाँ पे लिखते हैं मोंगोज डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी और यहाँ पे फंक्शन, ये ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे देख रहे हो टाइप्स के पहले मोंगोज डॉट स्कीमा, यहाँ पे स्कीमा भी लिख रहे थे हम, यहाँ पे मोंगोज डॉट स्कीमा देन टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम स्कीमा नहीं यूज करते हैं, सिर्फ मोंगोज डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी ये फंक्शन यूज करते हैं, सेव करते हैं। अब चलिए एक नया इंसर्ट करके देखते हैं तो आपको क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे कि पॉपुलेशन यूज करना है, तो पॉपुलेशन यूज करने के लिए अब हमने ऑब्जेक्ट आईडी तो यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे टाइप हमने पासवर्ड कैटेगरी के अंदर स्कीमा दे दिया। अब यहाँ पे जैसे दो टेबल को कनेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे आपको REF रेफरेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, REF में कॉलन और इसमें REF की वैल्यू पास करनी होती है। REF मतलब कि किसके साथ, किस टेबल के साथ, इस जो पासवर्ड कैटेगरी है ये किस टेबल के साथ कनेक्टेड है, आपको यहाँ पर रेफरेंस देना होता है। तो हमारा अगर जाएंगे तो हमने इसके साथ पासवर्ड अंडर स्कोर कैटेगरी के साथ हम कर रहे हैं, तो इसमें जो भी मॉडल का नाम आपने यहाँ पे पास किया होगा, यहाँ पे देख रहे हैं मॉडल्स के साथ जो भी नाम पास किया, इसको कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे ले जाके सिंपली पास कर देंगे इसके अंदर रेफरेंस के अंदर, ठीक है, और इसके बाद लगा देंगे कॉमा। तो ये क्या करेगा, अब इसको स्कीमा को पता चल जाएगा, यानी कि अब टेबल को यहाँ पे मोंगोज की जो स्कीमा है वो अपने आप गेट कर लेगा कि ये जो कैटेगरी आईडी है, जो कैटेगरी की आईडी आप पास कर रहे हो या जो पासवर्ड की कैटेगरी जा रही है वैल्यू यहाँ पर, ये किस टेबल से रिलेट कर रही है, ये आपको रिलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक ये गेट कर लेगा। अब आपको लुकअप के, जैसे लुकअप में हम क्या करते हैं, पास करते हैं ना कि किस टेबल के साथ ज्वाइन होना है और किस टेबल से इसकी कनेक्शन है, ताकि इसका डाटा फैच करके आए, तो यहाँ पे ये आपको करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगा लुकअप में। पॉपुलेट में यही एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पे हम रेफरेंस पहले से दे देते हैं स्कीमा के अंदर, ताकि इसको पता चल जाता है कि ये आईडी किस टेबल से कनेक्टेड है या किस स्कीम, मतलब अगला जो हमारा जिससे हम डाटा और फैच करना चाहते हैं किसके साथ कनेक्टेड है, उसके डाटा को अब यहाँ पे गेट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें ज्वाइन करना होता है या पॉपुलेट करना होता है डाटा, तो उससे पहले हम जिस डाटा को हमें पॉपुलेट करना है
या जिस टेबल से पॉपुलेट करना है उसको हम यहाँ पे एज ए रेफरेंस पहले पास कर लेते हैं ताकि ये ऑटोमेटिक पहले से डिफाइन हो जाए। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी पास है, ठीक है, कैटेगरी का नाम हम पास कर रहे हैं, तो एक बार फिर से एक नया डाटा इंसर्ट करा के पहले देख लेते हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं और सी पैनल का जो है या फिर बिग्रॉ का हमने कर लिया, पिंटरेस्ट की हम बात करते हैं। पिंटरेस्ट की आईडी यहाँ से उठाते हैं और इसके अंदर यहाँ पे हम सबसे पहले पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं पिंटरेस्ट, टी आर ई एस टी पिंटरेस्ट। अब यूजर नेम मान लो हमने तो दिया पिंटरेस्ट और पासवर्ड डिटेल सेम रखते हैं। अब यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो ये देखिए पासवर्ड सबमिट हो गया, पिंटरेस्ट डिटेल, अकाउंट डिटेल सारा कुछ आ रहा है अभी भी, मतलब सही तरीके से वर्क कर रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर आईडी हमने यहाँ पे पास नहीं किया है लेकिन फिर भी यहाँ पे आईडी जनरेट हुआ क्योंकि अब यहाँ पे हम पास कर रहे थे, इसके अंदर डायरेक्टली हम पास कर रहे हैं तो इससे भी सेम आईडी जनरेट हो रहा। अगर ये नहीं भी पास करते तो वो आपका सेम ही आईडी जनरेट होता, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे सेंड करेंगे तो यहाँ पे तीसरा भी आपको पिंटरेस्ट की डिटेल मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेट यूज़ करने की बात हम कर रहे हैं, ताकि पॉपुलेट यूज़ करें तो कैटेगरी आईडी के साथ साथ आपको कैटेगरी का नेम भी मिले। तो वो चीज़ करने के लिए आपको सिंपली थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपके गेट रिक्वेस्ट में, यहाँ पे जहाँ सेलेक्ट किया था उसके बाद हम एक और क्यूरी लिखना है पॉपुलेट की। तो इस यहाँ लिखेंगे डॉट, डॉट के साथ यहाँ पर टाइप करेंगे पॉपुलेट। तो ये देखिए ऊपर में आ गया पॉपुलेट, पॉपुलेट के अंदर चलेंगे। अब यहाँ पर बात करता है पॉपुलेट में, आपको यहाँ पर कोटेशन के अंदर सिंगल या डबल कोटेशन को जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसके अंदर आपको वैल्यू पास करनी होती है कि किसके साथ कनेक्ट करें बेसिकली, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है गेट ऑल पासवर्ड ये स्कीमा में जाता है आपका, और यहाँ पे जो भी स्कीमा में वैल्यू है, पासवर्ड कैटेगरी है, प्रोजेक्ट नेम है, पासवर्ड डिटेल है, वो सारा डिटेल आपको दे देता है। आप पॉपुलेट यूज कर रहे हो तो पॉपुलेट में बताना पड़ेगा कि ये किस टेबल को कनेक्ट करें, मतलब किस कॉलम को, जो भी आपका इसमें डाटा है वो किस कॉलम को कनेक्ट करना है उसके जो भी रिफरेंस है उसके साथ। तो यहाँ पे हमने नाम दिया है, इस कॉलम का नाम दिया है पासवर्ड अंडरस्कोर कैटेगरी। अब ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू को नहीं पास करनी है हमें यहाँ पे, अब ये वैल्यू किसके साथ रिलेट कर रहा है या जिस कॉलम के साथ रिलेट करना है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे चलेंगे और सिंपल पॉपुलेट के अंदर इसको पास कर देंगे। क्लियर, सिर्फ इतना काम करना है क्योंकि हमें जो कनेक्ट करना है वो इसी के साथ कनेक्ट करना है, मतलब ये आईडी है इसकी डाटा चाहिए और जो भी इसके अंदर जो भी डाटा है उसको चाहिए, तो उसके अंदर हम यहाँ पे सीधे इसको पास कर दिया और सेव कर दिया। यहाँ तक क्लियर, अब चलते हैं यहाँ पे। अब दोबारा से जब आप सबमिट करेंगे इसको गेट ऑल, जो हमारा एपीआई है गेट ऑल पासवर्ड की, सेंड करेंगे तो यहाँ पे अब पासवर्ड कैटेगरी के साथ साथ दूसरा भी डाटा जाएगा। एक काम करते हैं इसको नहीं छेड़ते हैं, यही सेम कॉपी कर लेते हैं और एक नया एपीआई यहाँ से क्रिएट करता हूँ मैं और इसको मूव करके इसके बगल में ले आते हैं। तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल है जो कि पहले से डाटा हमने गेट कर रखा है, अब ये सेम यहाँ पे पास करते हैं और सबमिट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए अंतर, यहाँ पे देखिए आईडी आ रहा है, सेम यहाँ पे जाइए आईडी आ रहा है। अब यहाँ पे पासवर्ड कैटेगरी में क्या आ रहा था, सिर्फ कैटेगरी की आईडी आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे देखिए पासवर्ड कैटेगरी है लेकिन इसके अंदर अब उसकी भी डाटा आ रही है कि आईडी क्या है, पासवर्ड का नाम क्या है और उसकी डेट क्या है और माइनस माइनस वर्जन क्या है, ये एक्स्ट्रा आ गया अब यहाँ पे। बाकी पासवर्ड का जो भी नेम है प्रोजेक्ट का और पासवर्ड डिटेल, वो डाटा भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अब आपको पासवर्ड कैटेगरी के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर पासवर्ड कैटेगरी के जो भी डाटा थे, जो हमने यहाँ पे आप देखेंगे सी पैनल की बात करें तो ये देखिए ये आईडी और ये जो नया ऑब्जेक्ट है वो भी आपको अब यहाँ पे मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे डेट और माइनस माइनस भी है, अगर चाहें तो इसको यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट के साथ लिख रहे थे ना जो जो कॉलम चाहिए उसी के साथ यहाँ पे भी कॉमा करके अब यहाँ पे नया लिख सकते हैं कि कौन कौन सा डाटा चाहिए आपको इसके साथ पॉपुलेट में। तो हमें कौन कौन सा डाटा चाहिए, सपोज मैं कहता हूँ कि पासवर्ड कैटेगरी चाहिए, आईडी तो आएगा ही, डेट और माइनस माइनस भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, सेव करेंगे, फिर से सेंड करेंगे इसको। तो अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड आईडी हो गया, पासवर्ड कैटेगरी रह गया आपका, बाकी माइनस माइनस भी हट गया और डेट हट गया और प्रोजेक्ट का नाम है। तो इससे क्या हुआ फ़ायदा कि ये जब सबमिट होगा तो आईडी तो मिलेगा पासवर्ड कैटेगरी की और उसके साथ कौन सा कैटेगरी का नाम था वो भी आपको मिल जाएगा, तो आपको इंसर्ट कराने में या डिस्प्ले कराने में आगे आसानी होगी डाटा को। तो इस तरीके से आप पॉपुलेट का यूज कर सकते हैं, ये बेसिक यूज है पॉपुलेट का ज्वाइन करने के लिए मल्टीपल टेबल को। ये तो मैंने दो के साथ, क्योंकि हमारे पास दो टेबल है, अगर कोई और भी टेबल होता है सपोज यहाँ पे
पासवर्ड के अंदर कोई और भी कॉलम प्रोजेक्ट नाम जो हम बात करते हैं सपोज एक सेकेंड के लिए, और ये इसका प्रोजेक्ट नेम का एक अलग से कोई टेबल होता है, तो उसको भी सिंपली हम यहाँ पे टाइप इस तरीके से पास कर देते हैं और रिफरेंस के साथ जो भी उसका नाम होता है प्रोजेक्ट नेम का जो भी स्कीमा होता है उस स्कीमा को भी यहाँ हम पास कर लेते हैं सिंपली इस तरीके से रिफरेंस के साथ। तो पास करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होता है, एक और पॉपुलेट हम यूज कर सकते थे यहाँ पे क्यूरी के अंदर पॉपुलेट करके, चाहे तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे है, जाएंगे ऊपर तो यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ कहा गया, यहाँ पे आईडी पास कर रहा है कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप्स के साथ और यहाँ पे डाटा पास कर रहा है। नीचे आएंगे तो पॉपुलेट के साथ यहाँ पे देख रहे हो डॉट के साथ पॉपुलेट फाइंड के साथ भी वन, ये जो है ना मतलब पर्टिकुलर आईडी के साथ भी किसी एक आईडी के डाटा को भी गेट करना हो, जैसे हमने पर्टिकुलर क्या किया गेट ऑल की बात कर रहे थे, सपोज किसी आईडी के भी यहाँ पे डाटा करना, पर्टिकुलर एक आईडी का डाटा चाहिए मुझे तो उसके लिए जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ अपडेट से पहले, अपडेट में हाँ अपडेट में ये हम कर रहे थे ना डाटा गेट करने के लिए, यहाँ पे डाटा गेट कर रहे थे, तो मैं एक बार यही रूट यहाँ से कॉपी करता हूँ और चलते हैं हम नीचे यहाँ पे पास गेट ऑल के साथ ही इसके बाद ही हम लिखते हैं पर्टिकुलर फाइंड बाई आई डी। सपोज यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा ऐसे डाटा किया ऐसे, इसके बाद एक और बंद ये क्लोज ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं गेट पासवर्ड बाई आई डी, गेट पासवर्ड बाई आई डी यहाँ पे लिख सकते हैं बाई आई डी और यहाँ कॉलन करके जो भी आई डी की डाटा आएगी वो आई डी यहाँ पे मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हम गेट मेथड से आई डी गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट पायराम्स डॉट आई डी ठीक है। तो ये क्या होगा, हम यहाँ पे पासवर्ड की आई डी मिल गई, इसको हटाते हैं ठीक है। अब फाइंड बाई आई डी और ये यहाँ पे मॉडल चेंज हो जाएगा, मॉडल अब हम इसमें क्या जाएगा पॉस मॉडल जाएगा, यहाँ पे सिंपली अब पास कर दिए पॉस मॉडल और पॉस मॉडल फाइंड बाई आई डी जो भी हमारा सॉरी यहाँ पे नहीं कंट्रोल जेड यहाँ पे था हमारा पॉस मॉडल फाइंड बाई आई डी, ये यहाँ से फिर डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे हम चाहें तो इसको हटा के फिर इसके बाद जो भी इसके साथ की हुई थी ये सारा हम यहाँ से यहाँ तक यूज कर सकते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे फाइंड बाई आई डी के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट कर दिया ठीक है। और फाइंड बाई आई डी के लिए यहाँ पे सिंपली ऐसे इसके बाद इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आई डी मिला आपको रिक्वेस्ट से ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई डी आपको मिला उसके बाद आपने फाइंड बाई आई डी कर लिया, आई डी पास कर दिया उसके बाद सेलेक्ट, बाकी जो चीज़ें थी पॉपुलेट सेम है, एग्जीक्यूट हुआ तो डाटा मिलेगा, डाटा और रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ क्लियर है। तो अब हम इस एपीआई को हिट कर लेते हैं एक बार के लिए, कॉपी करते हैं चलते हैं यहाँ पे और सेम यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इसे, फिर यहाँ पे स्लैश और आईडी पर्टिकुलर किसी एक आईडी को यूज़ कर लेते हैं। अब हमें सिर्फ चाहते हैं सी पैनल का डाटा दिखे बाकी डाटा ना दिखे, तो इस आईडी को भी यहाँ पे पास करेंगे सेंड करेंगे ओके, यहाँ पे आ रहा है नॉट फाउंड तो एक बार फिर से चेक करते हैं, हो सकता है कोई दिक्कत हो यहाँ पे एरर आ रहा हो, सेव करते हैं यहाँ पे फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी बाकी चीज़ें क्लियर है सही हैं सेलेक्ट और आईडी यहाँ पे पैरामीटर से गेट हो रहा है आपको अच्छा यहाँ पैच यहाँ पे हमें करना है पोस्ट ठीक है, सेव किया पोस्ट कर सकते हैं सेव हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने जो मेथड यूज किया हुआ है यहाँ पे इसको मैं पोस्ट करता हूँ एक बार सॉरी इसको गेट करना है सॉरी हाँ ये इस वजह से दिक्कत हो रहा है मेथड की इशू है यहाँ पे। अब ये क्या होगा मेथड गेट मेथड होगा, अब यहाँ पे चलते हैं इसको गेट मेथड करना है हमें गेट मेथड क्योंकि वो पैरामीटर से डाटा गेट कर रहे हैं ना तो इसलिए गेट मेथड का यहाँ पे यूज हो रहा है। चलते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे सबमिट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिल गया डाटा आईडी मिल गई प्रोजेक्ट का जो भी है पासवर्ड डिटेल की कैटेगरी मिल गई कैटेगरी का नेम मिल गया और प्रोजेक्ट का नाम मिल गया और पासवर्ड के डिटेल मिल गया। तो ये डाटा पर्टिकुलर आईडी बाई भी हम गेट कर सकते हैं उसी तरीके से, यहाँ पे ऑल पे एक आपने देख लिया कि ऑल डाटा कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं और पर्टिकुलर किसी आईडी के थ्रू भी डाटा कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बेसिक है पॉपुलेशन और सेलेक्ट का, आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। आज के लिए रुकते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखें।